नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है श्री गुरु अंगद देव जी। श्री गुरु अंगद देव जी का उनके माता पिता द्वारा रखा गया पहला नाम भाई लहना जी था। आप जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को गांव मत्ती की सराय तहसील एवं जिला मुक्तसर में हुआ। आपके पिताजी भाई फेरूमल जी कुशल साहूकार थे और फिरोजपुर के हाकिम की मुनीमी का कार्य करते थे। जब भाई लहना जी के ने अवतार धारण किया तो सारे क्षेत्र में हर्षोल्लास मनाया गया। भाई फेरूमल जी धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे और देवी दुर्गा के उपासक थे। उनके घर में देवी दुर्गा की स्तुति में भजन गाए जाते थे और वो हर वर्ष अपने सत्संगियों का दल लेकर ज्वालामुखी जाते थे। सारे सत्संगी सुंदर बालक को देखकर देवी माता की अपार कृपा बता रहे थे। पंडित यह भी भविष्यवाणी कर रहे थे कि वह बड़े होकर शिरोमणि भक्त बनेंगे। जब भाई लहना जी बड़े हुए तो उनकी विद्या का विशेष प्रबंध किया गया। भाई फेरूमल जी जैसे कि स्वयं अच्छे पढ़े लिखे थे, इसलिए अपने पुत्र को हर प्रकार की विद्या पढ़ाई। जब भाई लहना जी जवान हो गए तो आप जी का विवाह गाँव खटूर जिला अमृतसर में देवी चंद की सुपुत्री खिवी जी से कर दिया। आप जी नित्य प्रातःकाल गांव के तालाब में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन जब वह स्नान करने गए तो उन्होंने एक व्यक्ति को स्नान करते देखा। वो व्यक्ति ऊंची ऊंची बड़े सुरीले स्वर में वाणी पढ़ रहा था। भाई लहना जी इतनी मधुर वाणी सुनकर मुग्ध हो गए। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचे और निकट जाकर उन्होंने देखा कि भाई जोध आशा दी वार की 21वीं पौड़ी का पाठ कर रहा था। भाई लहना जी ने ऐसी वाणी पहले कहीं नहीं सुनी थी। वह तो केवल देवी की भेंटे ही सुनते थे या स्वयं गाते थे। आप जी की आवाज़ बड़ी सुरीली थी और उनसे भजन सुनकर देवी माता के श्रद्धालु कृतार्थ होते जाते थे। लेकिन भाई जोध जी जो गुरु नानक साहिब की वाणी पढ़ते थे, उसके सामने देवी माता के भजन में उन्हें फीके लगते थे। भाई जोध के पास जाकर वो बड़ी नम्रता से बोले, भाई जोध जी, ये भजन आपने कहाँ से याद किए हैं? भाई जोध जी बोले, महापुरुषों, ये भजन नहीं है, यह बाबे नानक निरंकारी की ईश्वरीय वाणी है। यह उन्हें धुर से उतरी है। जो इस वाणी को पढ़ता है वो प्रत्यक्ष प्रभु के दर्शन करता है और इस भवसागर को पार कर जाता है। भाई जोध की ये बातें सुनकर भाई लहना जी में गुरु दर्शनों की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने पक्का मन बना लिया कि इस बार जब वह देवी दर्शन के लिए जाएंगे तो करतारपुर में से होकर जाएंगे। भाई लहना जी को बढ़िया किस्म के घोड़े रखने का बहुत शौक था। उनका व्यापार दूर दूर तक गाँव में चलता था, इसलिए ग्राही के लिए एक अच्छे घोड़े का पास होना बहुत जरूरी था। इस वर्ष भी जब वह अपने साथियों को लेकर ज्वालामुखी चले तो उन्होंने अपने सबसे बढ़िया घोड़ा को सजाया। करतारपुर के निकट पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों को समीपवर्ती गांव की धर्मशाला में ठहरने के लिए कह दिया और खुद घोड़े को एड़ी लगाकर करतारपुर की ओर रवाना हो गए। दरिया पार करते ही उन्हें नया बसा नगर दिखाई दिया। उन्होंने सीधा उस तरफ अपने घोड़े को मोड़ लिया। जब वह गांव के बाहर पहुंचे तो एक ऊंचे लंबे और सुडोल शरीर वाले वृद्ध को उन्होंने वहां खड़े देखा। उन्होंने उस वृद्ध से गुरु नानक के दरबार का मार्ग पूछा। वृद्ध ने कहा कि उनके पीछे पीछे आए, वह उनको गुरु के दरबार ले जाएंगे। गुरु नानक देव जी के दरबार के समीप पहुंचकर उस वृद्ध ने भाई लहना जी को एक खूंटे की ओर संकेत करके कहा, घोड़ा इस खूंटे के साथ बांध दो, सामने गुरु का दरबार है, गुरु जी आपको वहां ही मिलेंगे। भाई लहना जब दरबार में उपस्थित हुए तो उसे पता लगा कि उसे मार्ग दिखाने वाले गुरु नानक देव जी खुद ही थे। गुरु नानक देव जी के दर्शन करके भाई लहना जी कृतार्थ हो गए। भाई लहना जी फिर स्थायी तौर पर करतारपुर रहने लग गए। वह तन मन से सेवा में जुट गए। लगभग 7 साल भाव 1532 से 1539 ईस्वी तक सेवा का कार्य निभाते रहे। गुरु नानक देव जी द्वारा उन्हें जो भी आदेश होता वह सत्य वचन कहकर उसी समय ही कर देते। एक दिन गंदे कीचड़ में एक बर्तन गिर गया। गुरु जी ने अपने बेटों और अन्य सिखों को निकालने के लिए कहा, लेकिन गंदे पानी में छलांग मारने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जब उन्होंने भाई लहना जी को संकेत किया तो वह तुरंत कूद कर कटोरा निकाल लाए और साफ करके गुरु जी को दे दिया।
भाई लहना जी के आचरण और गुरुमुखता को देखकर गुरु नानक देव जी समझ गए कि वह अब उनका अंग बन चुके हैं। उन्होंने भाई लहना जी का नाम अंगद रख दिया और पानी अपनी गद्दी उन्हें दे दी। गुरुयाई देखकर गुरु नानक जीव ने गुरु अंगद देव जी को खडूर जाने के लिए कहा। गुरु अंगद देव जी करतारपुर से चलकर खडूर में माई भिराई के घर जा विराजे। सारी संगत उन्हें ढूंढती रही लेकिन वह कहीं भी नहीं मिले। आखिर सारी संगत इकट्ठी होकर बाबा बुड्ढा जी के पास गई और उन्हें विनती की कि इस कार्य में वह ही सहायता कर सकते हैं। जब माई भिराई को यह पता लगा कि बाबा बुड्ढा जी कुछ सिखों को साथ लेकर खुद उसके घर की तरफ आ रहे हैं तो वह उन्हें आगे ही जा मिली। भाई भिराई के चेहरे की तरफ देखकर बाबा बुड्ढा जी जान गए कि सतगुरु यहाँ ही है। अपने साथ रबाबी बलवंड को भी लाए थे। उन्होंने उसे रबाब बजाने और शब्द का गायन करने के लिए कहा। रबाबी ने शब्द गाया तो गुरु जी बाहर आ गए। वह सबको देखकर मुस्कुराए और बोले, आपने वास्तविक बात को ढूंढ लिया है। यदि गुरु को पाना हो तो कीर्तन करो। गुरु नानक देव जी के सिख तो जो करतारपुर जाया करते थे अब खडूर साहिब आने लगे। कुछ समय में ही खडूर साहिब गुरु नानक की नगरी करतारपुर में बदल गया। अब सुनसान स्थान पर दिव्य कीर्तन का प्रवाह चल पड़ा। दीवान लगते और गुरु जी ईश्वरीय वाणी का प्रचार करते। कहीं स्कूल बन रहे थे, कहीं कुओं का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इनमें जो सबसे बड़े सेवा के पुंज थे वह थे माता खीवी जी। गुरु जी ने आप जी को लंगर की सेवा प्रदान की थी। माता जी की यह दिनचर्या थी कि वह पहर रात रहते ही उठते, फिर पाठ करके लंगर की सेवा में लग जाते थे। भाई सत्ता और बलवंड अपनी वार में लिखते हैं कि माता खीवी जी नित्य घी वाली खीर तैयार करते थे और अपने हाथों से संगीत संगत में बांटते थे। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरे के सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसने अभी 10 वर्ष राज भी नहीं किया था कि शेर शाह सूरी से उसकी लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं हार गया और शेर शाह सूरी ने आगरे पर कब्जा कर लिया। अपने प्राण बचाता हुमायूं अपने कुछ साथियों सहित पंजाब की तरफ भाग उठा। हुमायूं जब खडूर साहिब पहुंचा तो उसने सोचा कि गुरु नानक की गुरु गद्दी पर बैठने वाला फकीर किसी छोटे मोटे मकान या झोपड़ी में रहता होगा। लेकिन जब खडूर साहिब आकर उन्होंने गुरु नानक के वारिस बारे पूछा तो गांव के लोगों ने बताया कि उनका दरबार ऊंचे स्थान पर स्थित है। हुमायूं घोड़ा भगाता हुआ अपने अहलकारों सहित दरबार के निकट पहुँचा। फिर वह घोड़ों से उतर कर दरबार में गुरु जी के सम्मुख हुए। गुरु जी उस समय कुछ सिखों से विचार विमर्श कर रहे थे। जब काफ़ी समय उन्होंने हुमायूं की ओर ना देखा तो हुमायूं क्रोध में आकर म्यान में से तलवार निकालने लगा। गुरु जी ने जब नज़र भरकर उसकी तरफ देखा तो हाथ तलवार की मुठ पर ही रह गया। गुरु जी ने फरमाया, हुमायूं इस तलवार को शेर शाह सूरी के सामने निकालना था। फकीरों पर तलवारें चलाना कोई वीरता नहीं है। हुमायूं लज्जित हो गया और वहाँ से ही वापस लौट गया। गुरु अंगद देव जी ने इस गुरुमुखी लिपि को और संवारा और इसकी पढ़ाई के लिए एक स्कूल खडूर साहिब में खोला। उस स्कूल में केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बाहर से आए सिख भी पढ़ते थे। गुरु नानक देव जी की जीवनी सिखों की एक बड़ी धरोहर थी और उन्होंने इन अमूल्य जीवन साखियों से बहुत शिक्षा प्राप्त करनी थी। गुरु अंगद देव जी 7 वर्ष करतारपुर रहकर गुरु नानक देव जी की बहुत जीवन साखियाँ सुन चुके थे और इन शिक्षादायक साखियों को वह दरबार में प्रमाण के तौर पर सुनाया भी करते थे। भाई पैड़ा मोखा गुरुमुखी लिपि में अत्यंत निपुण थे। गुरु जी ने उसे बुलवा लिया। गुरु अंगद देव जी पहले साखी सुन लेते थे, फिर उसे पौड़े मोखे को लिखवाते थे। 1 वर्ष में ही सारी जन्म साखी तैयार हो गई। उन दिनों में खडूर साहिब में शिवनाथ नामक एक योगी तप रहता था। वह साधारण लोगों को मूर्ख बनाकर धन लूटता था। 1 साल खडूर में वर्षा नहीं हुई, लोगों की फसलें सूखने लगी। गांव के लोग इकट्ठे होकर तप के पास आ गए और उनसे कहने लगे कि हमारी फसलें सूख रही हैं, कृपा करके वर्षा करवाओ। योगी तपे ने कहा, वर्षा गृहस्थी गुरु जी के यहाँ होने के कारण नहीं होती है, उसे गांव में से निकाल दोगे तो वर्षा अपने आप ही हो जाएगी। जब गुरु अंगद देव जी को इस बारे पता लगा तो वो खडूर छोड़कर बाहर जंगलों में चले गए, लेकिन वर्षा फिर भी ना हुई।
जब बाबा अमरदास जी खडूर में गुरु जी से मिलने आए तो उन्हें पता लगा कि गुरु जी के कारण तप के कारण ही ये नगर छोड़ आए हैं। फिर वह गांव के किसानों के पास गए और उन्होंने कहा कि यदि आप वर्षा करवाना चाहते हो तो योगी तपे को अपने खेतों में ले आओ, जिस खेत में भी तपा जाएगा वहाँ वर्षा होगी। किसानों ने जब तपे को पकड़कर बाहर निकाला तो उस समय बादल हो गया और जब वह खेत में लेकर गए तो वर्षा शुरू हो गई। सारे किसान फिर उसे खींच खींच कर अपने खेतों में ले आए। इससे खींचतान में ही योगी तपे की मृत्यु हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है श्री गुरु अंगद देव जी। श्री गुरु अंगद देव जी का उनके माता पिता द्वारा रखा गया पहला नाम भाई लहना जी था। आप जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को गांव मत्ते की सराय तहसील एवं जिला मुक्तसर में हुआ। आपके पिताजी भाई फेरूमल जी कुशल साहूकार थे और फिरोजपुर के हाकिम की मुनीमी का कार्य करते थे। जब भाई लहना जी के ने अवतार धारण किया तो सारे क्षेत्र में हर्षोल्लास मनाया गया। भाई फेरूमल जी धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे और देवी दुर्गा के उपासक थे। उनके घर में देवी दुर्गा की स्तुति में भजन गाए जाते थे और वो हर वर्ष अपने सत्संगियों का दल लेकर ज्वालामुखी जाते थे। सारे सत्संगी सुंदर बालक को देखकर देवी माता की अपार कृपा बता रहे थे। पंडित यह भी भविष्यवाणी कर रहे थे कि वह बड़े होकर शिरोमणि भक्त बनेंगे। जब भाई लहना जी बड़े हुए तो उनकी विद्या का विशेष प्रबंध किया गया। भाई फेरूमल जी जैसे कि स्वयं अच्छे पढ़े लिखे थे, इसलिए अपने पुत्र को हर प्रकार की विद्या पढ़ाई। जब भाई लहना जी जवान हो गए तो आप जी का विवाह गांव खटूर जिला अमृतसर में देवी चंद की सुपुत्री खिवी जी से कर दिया। आप जी नित्य प्रातःकाल गांव के तालाब में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन जब वह स्नान करने गए तो उन्होंने एक व्यक्ति को स्नान करते देखा। वो व्यक्ति ऊंची ऊंची बड़े सुरीले स्वर में वाणी पढ़ रहा था। भाई लहना जी इतनी मधुर वाणी सुनकर मुग्ध हो गए। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचे और निकट जाकर उन्होंने देखा कि भाई जोद आशा दी वार की 21वीं पौड़ी का पाठ कर रहा था। भाई लहना जी ने ऐसी वाणी पहले कहीं नहीं सुनी थी। वह तो केवल देवी की भेंटे ही सुनते थे या स्वयं गाते थे। आप जी की आवाज़ बड़ी सुरीली थी और उनसे भजन सुनकर देवी माता के श्रद्धालु कृतार्थ होते जाते थे। लेकिन भाई जोध जी जो गुरु नानक साहिब की वाणी पढ़ते थे, उसके सामने देवी माता के भजन में उन्हें फीके लगते थे। भाई जोध के पास जाकर वो बड़ी नम्रता से बोले, भाई जोध जी, ये भजन आपने कहाँ से याद किए हैं? भाई जोध जी बोले, महापुरुषों, ये भजन नहीं है, यह बाबे नानक निरंकारी की ईश्वरीय वाणी है। यह उन्हें धुर से उतरी है। जो इस वाणी को पढ़ता है वो प्रत्यक्ष प्रभु के दर्शन करता है और इस भवसागर को पार कर जाता है। भाई जोध की ये बातें सुनकर भाई लहना जी में गुरु दर्शनों की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने पक्का मन बना लिया कि इस बार जब वह देवी दर्शन के लिए जाएंगे तो करतारपुर में से होकर जाएंगे। भाई लहना जी को बढ़िया किस्म के घोड़े रखने का बहुत शौक था। उनका व्यापार दूर दूर तक गाँव में चलता था, इसलिए ग्राही के लिए एक अच्छे घोड़े का पास होना बहुत जरूरी था। इस वर्ष भी जब वह अपने साथियों को लेकर ज्वालामुखी चले तो उन्होंने अपने सबसे बढ़िया घोड़ा को सजाया। करतारपुर के निकट पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों को समीपवर्ती गांव की धर्मशाला में ठहरने के लिए कह दिया और खुद घोड़े को एड़ी लगाकर करतारपुर की ओर रवाना हो गए। दरिया पार करते ही उन्हें नया बसा नगर दिखाई दिया। उन्होंने सीधा उस तरफ अपने घोड़े को मोड़ लिया। जब वह गांव के बाहर पहुंचे तो एक ऊंचे लंबे और सुडोल शरीर वाले वृद्ध को उन्होंने वहां खड़े देखा। उन्होंने उस वृद्ध से गुरु नानक के दरबार का मार्ग पूछा। वृद्ध ने कहा कि उनके पीछे पीछे आए, वह उनको गुरु के दरबार ले जाएंगे। गुरु नानक देव जी के दरबार के समीप पहुंचकर उस वृद्ध ने भाई लहना जी को एक खूंटे की ओर संकेत करके कहा, घोड़ा इस खूंटे के साथ बांध दो, सामने गुरु का दरबार है, गुरु जी आपको वहाँ ही मिलेंगे। भाई लहना जब दरबार में उपस्थित हुए तो उसे पता लगा कि उसे मार्ग दिखाने वाले गुरु नानक देव जी खुद ही थे।
गुरु नानक देव जी के दर्शन करके भाई लहना जी कृतार्थ हो गए। भाई लहना जी फिर स्थायी तौर पर करतारपुर रहने लग गए। वह तन मन से सेवा में जुट गए। लगभग 7 साल भाव 1532 से 1539 ईस्वी तक सेवा का कार्य निभाते रहे। गुरु नानक देव जी द्वारा उन्हें जो भी आदेश होता वह सत्य वचन कहकर उसी समय ही कर देते। एक दिन गंदे कीचड़ में एक बर्तन गिर गया। गुरु जी ने अपने बेटों और अन्य सिखों को निकालने के लिए कहा, लेकिन गंदे पानी में छलांग मारने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जब उन्होंने भाई लहना जी को संकेत किया तो वह तुरंत कूद कर कटोरा निकाल लाए और साफ करके गुरु जी को दे दिया। भाई लहना जी के आचरण और गुरुमुखता को देखकर गुरु नानक देव जी समझ गए कि वह अब उनका अंग बन चुके हैं। उन्होंने भाई लहना जी का नाम अंगद रख दिया और पानी अपनी गद्दी उन्हें दे दी। गुरुयाई देखकर गुरु नानक जीव ने गुरु अंगद देव जी को खडूर जाने के लिए कहा। गुरु अंगद देव जी करतारपुर से चलकर खडूर में माई भिराई के घर जा विराजे। सारी संगत उन्हें ढूंढती रही लेकिन वह कहीं भी नहीं मिले। आखिर सारी संगत इकट्ठी होकर बाबा बुड्ढा जी के पास गई और उन्हें विनती की कि इस कार्य में वह ही सहायता कर सकते हैं। जब माई भिराई को यह पता लगा कि बाबा बुड्ढा जी कुछ सिखों को साथ लेकर खुद उसके घर की तरफ आ रहे हैं तो वह उन्हें आगे ही जा मिली। भाई भिराई के चेहरे की तरफ देखकर बाबा बुड्ढा जी जान गए कि सतगुरु यहाँ ही है। अपने साथ रबाबी बलवंड को भी लाए थे। उन्होंने उसे रबाब बजाने और शब्द का गायन करने के लिए कहा। रबाबी ने शब्द गाया तो गुरु जी बाहर आ गए। वह सबको देखकर मुस्कुराए और बोले, आपने वास्तविक बात को ढूंढ लिया है। यदि गुरु को पाना हो तो कीर्तन करो। गुरु नानक देव जी के सिख तो जो करतारपुर जाया करते थे अब खडूर साहिब आने लगे। कुछ समय में ही खडूर साहिब गुरु नानक की नगरी करतारपुर में बदल गया। अब सुनसान स्थान पर दिव्य कीर्तन का प्रवाह चल पड़ा। दीवान लगते और गुरु जी ईश्वरीय वाणी का प्रचार करते। कहीं स्कूल बन रहे थे, कहीं कुओं का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इनमें जो सबसे बड़े सेवा के पुंज थे वह थे माता खीवी जी। गुरु जी ने आप जी को लंगर की सेवा प्रदान की थी। माता जी की यह दिनचर्या थी कि वह पहर रात रहते ही उठते, फिर पाठ करके लंगर की सेवा में लग जाते थे। भाई सत्ता और बलवंड अपनी वार में लिखते हैं कि माता खीवी जी नित्य घी वाली खीर तैयार करते थे और अपने हाथों से संगीत संगत में बांटते थे। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसने अभी 10 वर्ष राज भी नहीं किया था कि शेर शाह सूरी से उसकी लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं हार गया और शेर शाह सूरी ने आगरे पर कब्जा कर लिया। अपने प्राण बचाता हुमायूं अपने कुछ साथियों सहित पंजाब की तरफ भाग उठा। हुमायूं जब खडूर साहिब पहुंचा तो उसने सोचा कि गुरु नानक की गुरु गद्दी पर बैठने वाला फकीर किसी छोटे मोटे मकान या झोपड़ी में रहता होगा। लेकिन जब खडूर साहिब आकर उन्होंने गुरु नानक के वारिस बारे पूछा तो गांव के लोगों ने बताया कि उनका दरबार ऊंचे स्थान पर स्थित है। हुमायूं घोड़ा भगाता हुआ अपने अहलकारों सहित दरबार के निकट पहुँचा। फिर वह घोड़ों से उतर कर दरबार में गुरु जी के सम्मुख हुए। गुरु जी उस समय कुछ सिखों से विचार विमर्श कर रहे थे। जब काफ़ी समय उन्होंने हुमायूं की ओर ना देखा तो हुमायूं क्रोध में आकर म्यान में से तलवार निकालने लगा। गुरु जी ने जब नज़र भरकर उसकी तरफ देखा तो हाथ तलवार की मुठ पर ही रह गया। गुरु जी ने फरमाया, हुमायूं इस तलवार को शेर शाह सूरी के सामने निकालना था। फकीरों पर तलवारें चलाना कोई वीरता नहीं है। हुमायूं लज्जित हो गया और वहाँ से ही वापस लौट गया। गुरु अंगद देव जी ने इस गुरुमुखी लिपि को और संवारा और इसकी पढ़ाई के लिए एक स्कूल खडूर साहिब में खोला। उस स्कूल में केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बाहर से आए सिख भी पढ़ते थे। गुरु नानक देव जी की जीवनी सिखों की एक बड़ी धरोहर थी और उन्होंने इन अमूल्य जीवन साखियों से बहुत शिक्षा प्राप्त करनी थी। गुरु अंगद देव जी 7 वर्ष करतारपुर रहकर गुरु नानक देव जी की बहुत जीवन साखियाँ सुन चुके थे और इन शिक्षादायक साखियों को वह दरबार में प्रमाण के तौर पर सुनाया भी करते थे। भाई पैड़ा मोखा गुरुमुखी लिपि में अत्यंत निपुण थे। गुरु जी ने उसे बुलवा लिया। गुरु अंगद देव जी पहले साखी सुन लेते थे, फिर उसे पौड़े मोखे को लिखवाते थे। एक वर्ष में ही सारी जन्म साखी तैयार हो गई। उन दिनों
में खडूर साहिब में शिवनाथ नामक एक योगी तप रहता था। वह साधारण लोगों को मूर्ख बनाकर धन लूटता था। एक साल खडूर में वर्षा नहीं हुई, लोगों की फसलें सूखने लगी। गांव के लोग इकट्ठे होकर तप के पास आ गए और उनसे कहने लगे कि हमारी फसलें सूख रही हैं, कृपा करके वर्षा करवाओ। योगी तपे ने कहा, वर्षा गृहस्थी गुरु जी के यहाँ होने के कारण नहीं होती है, उसे गांव में से निकाल दोगे तो वर्षा अपने आप ही हो जाएगी। जब गुरु अंगद देव जी को इस बारे पता लगा तो वो खडूर छोड़कर बाहर जंगलों में चले गए, लेकिन वर्षा फिर भी ना हुई। जब बाबा अमरदास जी खडूर में गुरु जी से मिलने आए तो उन्हें पता लगा कि गुरु जी के कारण तप के कारण ही ये नगर छोड़ आए हैं। फिर वह गांव के किसानों के पास गए और उन्होंने कहा कि यदि आप वर्षा करवाना चाहते हो तो योगी तपे को अपने खेतों में ले आओ, जिस खेत में भी तपा जाएगा वहाँ वर्षा होगी। किसानों ने जब तपे को पकड़कर बाहर निकाला तो उस समय बादल हो गया और जब वह खेत में लेकर गए तो वर्षा शुरू हो गई। सारे किसान फिर उसे खींच खींच कर अपने खेतों में ले आए। इसी खींचतान में ही योगी तपे की मृत्यु हो गई।